आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ ट्रस्ट इक्विटी एंड फिडिशियरी रिलेशन से रिलेटेड 50 एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि किस धारा में न्यासधारियों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 37 से 43 तक में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, प्राधिकृत संपत्ति को बेचने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 37। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, किस धारा में न्यासधारी को न्यास संपत्ति को बेचने के बारे में विवेकीय शक्ति प्रदान करती है। आपको याद रखना है धारा 38। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि किस धारा में न्यासधारी को विक्रय का प्रयोजन पूरा करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, धारा 39। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किस धारा में न्यासधारी को विनियोजनों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, धारा 40। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जब हितग्राही अवयस्क हो तो किस धारा में न्यासधारी को न्यास संपत्ति अवयस्क के भरण पोषण पर खर्च करने की शक्ति प्रदान करती है। आपको याद रखना है यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, धारा 41। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि जब न्यासधारी अवयस्क की संपत्ति के बारे में न्यास संपत्ति धारण करता हो तो अवयस्क के भरण पोषण या शिक्षा या फिर धार्मिक पूजा विवाह या दाह संस्कार आदि आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय के लिए। तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर आपका मैं बता दूँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए तथा बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस धारा में न्यासधारी को किसी भी धनराशि प्रतिभूति अथवा चल संपत्ति के लिए लिखित रसीद देने की शक्ति प्रदान करती है। आपको याद रखना है यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा आपका, धारा 42। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, न्यास अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यासधारी पर न्यास संपदा एवं उसके स्वत्व की संरक्षा करने का कर्तव्य आरोपित किया गया है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, धारा 13। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यासधारियों के मुख्य कर्तव्यों में से न्यास संपदा एवं उसके स्वत्व की संरक्षा करना भी एक है, ठीक है। तो किस बात में यह अभिनिर्धारित किया गया था, तो आपको याद रखना है यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, लासन बनाम कोपलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी धारा न्यासधारी को न्यास संपत्ति के प्रबंध के संबंध में न्यायालय से राय मंत्रणा या निर्देश प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का अधिकार प्रदान करती है। आपको याद रखना है यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, धारा 34। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कौन सी धारा न्यासधारी को अपने से भिन्न किसी तीसरे व्यक्ति से एवं हितग्राही से क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार देती है यदि उन्होंने न्यास भंग के द्वारा किसी प्रकार का अभिलाभ प्राप्त किया है। आपको याद रखना है यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, धारा 33।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, न्यास भंग न्यास संपत्ति अथवा उसमें हितग्राही के हित के संबंध में न्यासधारी के किसी अनुचित कार्य अनवधानता व्यतिक्रम अथवा चूक से होता है, यह किसका कथन है। आपको याद रखना यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, कीटन का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति के अधिकारों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जो हितग्राही के हितों को हस्तांतरण के द्वारा प्राप्त करता है। तो आपको याद रखना यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, धारा 69। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, धारा 78 न्यास के विखंडन के बारे में प्रावधान करती है, इस धारा के अर्थों में न्यास किन अवस्थाओं में विखंडित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी, मतलब इच्छा पत्र कर्ता की इच्छा पर और हितग्राहियों की सहमति से एवं न्यासकर्ता द्वारा विखंडन की शक्ति के प्रयोग द्वारा, ठीक है। तो इसलिए ये सभी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, न्यास अधिनियम की धारा 4 के अनुसार कोई उद्देश्य किन अवस्थाओं में अवैध हो जाता है। आपको याद रखना है यहाँ पर 16 का डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, न्यासधारी होता है, आपको याद रखना है यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि धारा 5 के अनुसार अचल संपत्ति से संबंधित न्यास का सृजन तभी किया जा सकता है जबकि इसकी घोषणा, ठीक है। अब आगे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सभी। अब इसका मतलब ए बी सी में जो कहा गया है वो धारा 5 के अनुसार अचल संपत्ति से संबंधित, ठीक है, कहा गया है पॉइंट्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए निर्वस्यति लिखित हो और न्यासधारी अथवा न्यासकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो और रजिस्टर्ड विलेख द्वारा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है धारा 5 से ही रिलेटेड हैं, इसलिए ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, किस वाद में, वाद पूछा गया है, किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्वसीयति लिखित द्वारा घोषित अचल संपत्ति विषयक न्यास की विधि मान्यता के लिए उसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक माना गया है। आपको याद रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, कमिश्नर इनकम टैक्स बनाम TAY ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, किस वाद में यह मत व्यक्त किया गया है कि चल संपत्ति से संबंधित न्यास का सृजन तब तक नहीं होता जब तक कि न्यास की विषय वस्तु को भौतिक कृत्य द्वारा न्यासधारी को हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता। तो ये किस वाद में यह मत व्यक्त किया गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद बैंक लिमिटेड बनाम कलकत्ता कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छूट जा रहा था, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इलाहाबाद बैंक लिमिटेड बनाम कलकत्ता कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, वैश्वासिक संबंध है, आपको याद रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, वैश्वासिक संबंध कुछ ऐसे संबंधों के द्योतक हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी, जो न्यास की कुछ प्रसंगतियां रखते हैं, जिनकी नींव घनिष्ठता तथा पारस्परिक सद्विश्वास होता है, दैनिक जीवन में वैश्वासिक संबंधों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा में वैश्वासिक संबंधों से संबंधित प्रावधान किया गया है। आपको याद रखना है यहाँ पर 23 में ए ऑप्शन सही होगा, धारा 88। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य, फिर डॉट डॉट मतलब खाली स्थान भरना है आपको, तो दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य डॉट डॉट पर ही निर्भर करते हैं। तो आपको याद रखना है
24 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मतलब वैश्वासिक संबंधों पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि राज्य न्यायालय को ही फिर डॉट डॉट के नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है 25 का ए ऑप्शन सही होगा, किंग्स बेंच। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि किंग्स बेंच क्या होते थे। तो आपको याद रखना है यहाँ पर 26 का सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों। ध्यान दीजिएगा ये न्यायालय होते थे, ठीक, ये भी सही है। और बी में कहा है यह न्यायालय सामान्य विधि के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों, इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि चांसरी न्यायालय से संबंधित है। आपको याद रखना है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ध्यान दीजिएगा उसके सचिवालय को चांसरी के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है, जो कि चांसरी न्यायालय से संबंधित पॉइंट्स हैं, जो कि सही है। उसका प्रधान चांसलर कहलाता था, ठीक, और चांसलर को लेख जारी करने की एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त थी, ठीक है, जो कि सही है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि चांसलर अपने समक्ष प्रस्तुत वादों का विनिश्चय सामान्य विधि के नियमों के अनुसार नहीं अपितु फिर डॉट डॉट के अनुसार करता था। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो ध्यान दीजिएगा 28 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, न्यास अधिनियम की धारा 75 में किसकी नियुक्ति के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। 29 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, नए न्यासधारियों की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, न्यास अधिनियम की किस धारा में नए न्यासधारियों की नियुक्ति के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, धारा 75। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, नए न्यासधारी से संबंधित है। 31 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सभी, ठीक है। नए न्यासधारी की नियुक्ति किए जाने पर न्यास की सारी संपत्ति उसमें निहित हो जाएगी, जिन्हें वे सारी शक्तियां अधिकार एवं विवेक प्राप्त होंगे और जो मूलतः नियुक्त किए गए किसी न्यासधारी के होते हैं, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, सॉलिसिटर और मुवक्किल के संबंध होते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर 32 में ए ऑप्शन सही होगा, वैश्वासिक। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, कौन सी धारा न्यासधारियों को न्यास लिखत एवं न्यास संपत्ति से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेजों को अपने आधिपत्य में रखने का अधिकार देती है। क्वेश्चन नंबर 33 में ए ऑप्शन सही होगा, धारा 31। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, किस धारा के अंतर्गत न्यासधारी पर न्यास स्वत्व की रक्षा करने का कर्तव्य आरोपित किया गया है। तो 34 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, धारा 13। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि व्यवस्थापन से तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, परिनिर्धारण या हल। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि हैनबरी ने न्यास को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है। तो 36 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। इसका मतलब क्या कि लोक न्यास एवं व्यक्तिगत न्यास, फिर साधारण न्यास एवं विशिष्ट न्यास, और निष्पादित न्यास एवं निष्पाद्य न्यास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, धारा 77 के अनुसार न्यास का अवसान निम्न दशाओं में होता है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों, मतलब जबकि उसका उद्देश्य पूर्णता पूरा हो जाए और जबकि उसका उद्देश्य अवैध हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, न्यास का विखंडन धारा 78 के अर्थों में निम्न अवस्थाओं में विखंडित किया जा सकता है। 38 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि न्यास भंग में सम्मिलित होने वाले हितग्राही का दायित्व किस धारा में उपबंध किया गया है। 39 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, धारा 68। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि धारा 71 के अनुसार
न्यासधारी पदच्छेद केवल निम्नलिखित अवस्थाओं में उन्मोचित किया जा सकता है। तो 40 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? मध्यकालीन युग में सद्विवेक एवं साम्यस्यामी जुड़वा बच्चों के समान थे, जो बिना अलग किए ही एक दूसरे से संतुष्ट थे, यही कथन किसका है? 41 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, हैनबरी का। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? यदि धर्म का मूल पाठ न्यायिक युक्ति के प्रतिकूल पाया जाए तो धर्म का मूल पाठ निष्फल हो जाएगा और युक्ति की प्रामाणिकता अभिभावी होगी, यह कथन किसका है? 42 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, कौटिल्य का। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि साम्य के अधिकार क्षेत्र हैं? 43 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सभी। मतलब अनन्य अधिकार क्षेत्र, समवर्ती अधिकार क्षेत्र और सहायक अधिकार क्षेत्र, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, साम्य की सभी सिद्धांतों में न्यास का आविष्कार तथा विकास अत्यंत व्यापक एवं महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर सी ऑप्शन सही होगा, मेटलैंड का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? अभिव्यक्त न्यास है। तो 45 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा, एक ऐसा न्याय है जो न्यासकर्ता द्वारा मौखिक या लिखित रूप से सृजित होता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि न्यास है? तो आपको याद रखना है यहां पर सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों। मतलब न्यासधारी के दायित्व साम्यिक होते हैं और न्यास के अंतर्गत न्यास द्वारा लाभान्वित होने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यास का आधार लागू होता है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? अन्वयिक न्यास है। 47 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों। मतलब एक ऐसा न्यास है जिसका सृजन न्यास निर्मित करने के आशय को संदर्भित करने वाले शब्दों अथवा परिस्थितियों के द्वारा नहीं होता, और दूसरा कि दूसरे की संपत्ति के असामिक अर्जन को रोकने के लिए साम्य के न्यायालयों द्वारा आरोपित किया जाता है, जो कि अन्वयिक न्यास से ही रिलेटेड पॉइंट्स हैं, सही हैं जो कि। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? प्रार्थनात्मक न्यास है। तो 48 में ए ऑप्शन सही होगा, ऐसा न्यास जिसकी घोषणा तथा सृष्टि स्पष्ट एवं निश्चित शब्दों के द्वारा नहीं अपितु प्रार्थनात्मक शब्दों के द्वारा की जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? न्यासधारी की पदच्युति, फिर उसके आगे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, न्यासधारी की पदच्युति, एक बार न्यास का पद स्वीकार कर लेने के बाद न्यासधारी अपने पद का त्याग नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि किस धारा में उन अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है जिनके अंतर्गत कोई न्यासधारी अपने पद से उन्मुक्त हो सकता है या उन्मोचित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 50 में ए ऑप्शन सही होगा, धारा 70 एवं 71। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएं। चलिए इन क्वेश्चंस को आप तैयार करिए, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।